सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की ए लिस्ट एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। इस साल जनवरी में रिलीज हुई उनकी पद्मावत ने उन्हें अलग ही पायदान पर खड़ा कर दिया है। पर्दे पर भले ही संजय लीला भंसाली ने अपनी पद्मावती को हर हाल में खुश रहने का गुरु मंत्र सिखाया हो, पर क्या आप जानते हैं कि बाजीराव की मस्तानी को अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अफसोस है। ये बात शायद दीपिका के फैंस को थोड़ा हैरान कर सकती है कि आखिर ऐसा क्या है जो उनके स्टार को परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि दीपिका ने अपनी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। उनकी फिल्में रामलीला, बाजीराव मस्तानी, ये जवानी है दीवानी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। बावजूद इसके दीपिका की एक फिल्म ऐसी भी है जिसे उन्हें करने का बेहद अफसोस है। हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो में दीपिका ने बताया कि उन्हें चांदनी चौक टू चाइना फिल्म करने का अफसोस है। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार लीड रोल में थे। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। खास बात ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। इस फिल्म को निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया था। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।